नमस्कार दोस्तों दोस्तों फरवरी के महीने में 28 डेज ही क्यों होते हैं? इसके पीछे का आपको रीजन तो नहीं पता रहेगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फरवरी के महीने में 28 डेज क्यों होते हैं। यानी कि बाकी के महीने में अगर मैं देखूँ, मार्च के महीने में देखूँ, जनवरी में देखूँ, बाकी अगस्त में देखूँ, किस में भी देखूँ, लेकिन 30 और 31 जैसे हमें डेज देखने मिलते हैं। बाकी अगर सिर्फ फरवरी के महीने में हमें 28 डेज देखने मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके पीछे का रीजन क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फरवरी के महीने में 28 डेज क्यों होते हैं ये जानने से हमें जानना होगा कि फरवरी के महीने में 29 डेज क्यों होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो हमारा धरती है उसको सूर्य को चक्कर काटने के लिए, एक चक्कर काटने के लिए यानी कि रिवॉल्व करने के लिए 365.242 डेज लगते हैं। अगर मैं इसका राउंड फिगर निकाले तो इसका वैल्यू हो जाएगा 365.25 डेज। अभी ये जो 0.25 डेज है वो तो पूरा डेज बनाने के लिए लास्ट में पॉइंट में आ गया, तो अभी इसको 0.25 डेज हो गया 6 आवर्स, इसे हमें 6 आवर्स हो गया। तो अभी ये 6 आवर्स को पूरा डेज में कैसे रिकवर करें, तो यहाँ पर क्या होता है, हर साल 365.225 डेज होते, तो हर साल ऐसे ऐसे कर करके अभी आपको मैंने आपको बताया था कि 0.25 डेज मतलब 6 घंटे, तो ऐसे हर साल करके 6 घंटा हुआ, फिर दूसरा साल आया 12 आवर्स हो गया, दूसरा साल आया 18 साल हो गया, वैसे करके जब भी चौथा साल आता है तभी 24 आवर्स आते हैं। और आपको पता ही है कि 24 आवर्स मतलब एक पूरा दिन हमारा रिकवर हो जाता है। तो जो घुमा फिरा कर मैं बात करूँ तो पूरा जो दिन का जो हमारा कैलकुलेशन था, जो पहले का जो 0.25 डेज जो हमें वेस्ट में जा रहा था उसको हमें पूरा घूम फिर के 24 आवर्स किया, और फिर जो चौथा साल जब भी आता है तभी हमारा 24 आवर्स होता है, तभी हमारा एक दिन होता है। इसलिए हमें उस हर चौथे साल में फरवरी के महीने में 29 डेज ऐड होते हैं, 29 डेज, तो इसलिए हम उस साल को लीप ईयर बोला जाता है। तो ये तो बात हो गया 29 डेज की। अभी हमारे घुमा फिरा के हमारे टॉपिक पर आते हैं कि फरवरी के महीने में 28 डेज ही क्यों होते हैं। यानी कि अगर दूसरे महीने में देखूँ, बाकी अलग अलग महीने में देखूँ तो 30 डेज आते हैं, 31 डेज आते हैं, लेकिन सिर्फ फरवरी के महीने में 28 डेज क्यों आते हैं। तो फरवरी के महीने में 28 डेज क्यों होते हैं ये जानने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पीछे जाना होगा। जब ये कैलेंडर बना था, ये कैलेंडर रोमन्स के द्वारा बनाया था। एक रोमन्स के जो राजा थे उनके सामने एक चुनौती आ गई थी, मतलब हर साल नए नए फेस्टिवल आते थे, अलग अलग चेंजेस आते सीजन में, तो ये मतलब उस महीने में अलग अलग चेंजेस आ रहे थे, तो उसके वजह से उनको मैपिंग करना था, मतलब उस महीने में उस सीजन का आना चाहिए। तो उन्होंने एक नया कैलेंडर बनाया जो कि मार्च से लेकर दिसंबर तक, मार्च से शुरू होता था और दिसंबर तक खत्म होता था, यानी कि इसमें जनवरी और फरवरी तो था ही नहीं। तो यहाँ पर उनके सामने एक चुनौती आई कि जनवरी और फरवरी क्यों नहीं, क्योंकि जनवरी फरवरी में कोई काम ही नहीं करता था, इसलिए हमें उसे निकाल दिया। लेकिन फिर उनको मालूम पड़ा कि मतलब मार्च के महीने में पहले तो गर्मी का उन्हें सीजन लगाया था, लेकिन फिर थोड़े 1-3-4 साल होने के बाद मार्च में तो ठंडी आने लगे, तो उनको तभी से पता चला कि हमें दो जो महीने छोड़े थे वो क्यों छोड़े। दोस्तों उन लोगों ने दिमाग लगा कर कोई कोई महीने में 30 डेज डाल दिया तो कोई कोई महीने में 31 डेज दिया। दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ कि रोम के दूसरे राजा है, इसमें क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि जो इवन नंबर्स है जैसे कि 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया ऐसे 2 के जो मल्टीपल्स होते वो गया उनको बैड लक में मिले। तो उन्होंने क्या किया, जो मार्च और दिसंबर के बीच जो 30 और 31 डेज डाले थे उसमें से एक एक नंबर कम कर दे ताकि वो इवन नंबर्स ना हो चुके। दोस्तों फिर उनके पास टोटल डेज हो गए 298 डेज। तो फिर उन्होंने क्या किया, मतलब एक नया कैलेंडर बनाया जिसमें अभी जैसे कि अगर जो मून हमारा सैटेलाइट है जैसे मून उसको अर्थ को रिवॉल्व करने के लिए 29.5 डेज लगते, तो उन्होंने क्या किया ये कैलेंडर बनाने के लिए 29.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गए 354 डेज। लेकिन ये जो 354 डेज आपको पता ही है उनको इवन नंबर से बैड लक चाहिए, तो उन्होंने और एक डेज ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 355 डेज। दोस्तों इसके चक्कर में जनवरी को मिल गए 29 डेज और फरवरी को मिल गए 28 डेज। घुमा फिरा के इतना सब कुछ चीज करने के बाद भी उनके साल में पूरे 10 दिन और बच गए। फिर उनको पता चला कि मतलब मार्च के महीने में पहले उन्हें गर्मी का सीजन आ रहा था, फिर देखा तो हमारे मार्च के महीने में ठंडी का सीजन है। दोस्तों फिर उसके बाद रोम के तीसरे राजा है, फिर उन्होंने बोला कि जो जनवरी और फरवरी के जो महीने हैं उसको थोड़ा आगे लेके चलो, क्योंकि जो मार्च के और उसके पहले जो महीने हैं उनमें वो लोग टाइम पास कर, लोग उस टाइम पास करते कुछ करते नहीं है विंटर के महीने, तो उनको थोड़ा आगे लेके चलो। फिर घुमा फिरा के एक नया कैलेंडर बनकर तैयार हो गया। दोस्तों ये सब कैलेंडर तैयार होने के बाद और एक डाउट बचा, क्या हुआ कि मतलब जो 4 साल में जो एक दिन बच रहा है उसका क्या करें। उसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका लीप ईयर बना दिया गया, मतलब जो 4 साल में एक दिन बन रहा है उसको चौथे साल में एक लीप ईयर की तरह उसे ऐड किया जाए और फिर वो पूरा एक कैलेंडर बन गया। तो हम लोगों को क्या करना था, हम लोग जैसे ही हमारे लाइफ में है वैसे हम लोग को सिर्फ कैलेंडर मिला, हमें सिर्फ यूज़ करना है, हमें कुछ मतलब नहीं बनता है कि 28 डेज क्यों है और ये सब 29 डेज क्यों है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही था दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, पसंद आएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर किए, मतलब पता चलना चाहिए लोगों को ये फेब्रुअरी के महीने में 20 डेज और 29 डेज क्यों होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसी कुछ नॉलेजेबल वीडियोस या फिर ऐसे एजुकेशन वीडियोस ठीक है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उस टॉपिक पर मैं आपको ये वीडियो जरूर बनाना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद।